बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? मेरी आज की वीडियो है हवर्जिया के प्लांट के बारे में। मैं इसको रिपोर्ट करने जा रहा हूं और प्रोपोगेट करने जा रहा हूं। तो मैं आपको इसके प्लांट के बारे में कुछ डिटेल भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे प्रोपोगेट करते हैं और रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या चीज़ें अपने नज़र में रखनी चाहिए, मतलब क्या बेहतर है इस प्लांट के लिए कि कैसे रिपोर्ट किया जाए। आप वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करता रहूँगा। अच्छा जी, ये हवर्जिया का एक प्लांट है, बहुत प्यारा प्लांट है, सकुलेंट की वैरायटी में से है ये। बहुत सकुलेंट की वैरायटी जो है वो बहुत हार्डी होती है, इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें लेकिन ये प्लांट्स इस प्लांट को ज़रा थोड़ी केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा नाजुक है बाकियों की नस्बत। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है वाटरिंग का, बाकी सकुलेंट में भी रखना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा आपको एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि बड़ी जल्दी ये प्लांट डेड हो जाता है। इसको मैंने इस छोटे से पॉट में किया हुआ था, लगाया हुआ था, इसको मैं अब ये थोड़े से बड़े पॉट में शिफ्ट करने जा रहा हूँ और इसके कुछ बेबी पप्स जो हैं वो उनको भी मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए इसको रिपोर्ट करते हैं। आपने सबसे पहले इसको अच्छी तरह से हिला लेना है ताकि इसकी जो जड़ें हैं वो अंदर से ना टूटें। इसका जो पॉटिंग मिक्स है वो आपको पहले ही मैं वीडियो में बता चुका हूँ, उसकी तरफ देख के आप भी इसकी पॉटिंग मिक्स बना लीजिएगा। और मज़ीद भी मैं आपको इसकी एक और पॉटिंग मिक्स की मैं वीडियो आपको करूँगा। जो लोग पहली वीडियो वाली पॉटिंग मिक्स से नहीं मुत्तफिक, मैं उसको एक और तरह की पॉटिंग मिक्स भी बता दूँगा। अच्छा, इसमें ये देखें कुछ बेबीज़ हैं, आपने इनको बड़े तरीके से आराम से एहतियात से अलग करना है। जैसे मतलब इसकी जड़ें जो हैं वो अलग से, जिस तरह ये मैं अलग कर रहा हूँ, इसकी जड़ें अलग से हैं ताकि इसकी जो जड़ें हैं वो टूटे ना और वो प्लांट जो है वो रीग्रो अच्छे तरीके से कर सके। ये देखें इसकी भी जड़ अलहदा से बनी हुई है, ये देखें ठीक है। और एक ये भी है, इसमें से सारे बेबीज अलग हो गए हैं। अब ये हेल्दी प्लांट है, इसको मैं यहाँ पे ये इसकी प्रॉपर एक जड़ भी अच्छी तरीके से बनी हुई है, इसको मैं इसमें रिपोर्ट कर देता हूँ। सकुलेंट और कैक्टस की वैरायटी के लिए पॉटिंग मिक्स ज़रा डिफरेंट बनानी पड़ती है, जिसमें आपको प्रॉपरली स्टोन्स और पिमस्टोन और जो ग्रेवल या कुछ और भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से ड्रेनेज अच्छी तरह से हो जाए और उसमें वो वहीं पे मतलब उसके जो वाटरिंग है वो उसके अंदर ना रहे और उसकी प्रॉपरली ड्रेनेज भी हो जाए। ये लें जी, इसको ऐसे ही आपने बस लगा देना है, इसका रूटिंग सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाएगा और ये ग्रो करने लग जाएगा। अच्छा जी, इसके जो पप्स हैं वो भी मैं इसमें कर देता हूँ दोबारा से रिपोर्ट। आपने जो सकुलेंट की और कैक्टस की वैरायटी है उसमें ज़रा ध्यान रखना है कि जो उसको ज़रा डीप
जो पॉट है मतलब गमला जो है वो ज़रा डीप मिले जिसमें उसकी जड़ें बन सकें। पहले मैंने छोटों में लगाया हुआ था लेकिन वो कुछ क्योंकि मेरे पास प्लांट की रेंज थोड़ी ज़्यादा थी तो मैं जगह ज़्यादा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उन सारी सी बात है उनको ज़रूरत होती है, जाहिर सी बात है उनको ग्रो करने के लिए जगह की ज़रूरत होती है, तो आपको वो ज़रा देखना होगा। ये ले जी, ये तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से बड़े आसानी से ये प्रोपोगेट हो जाते हैं, मतलब इनके बेबीज़ और पॉप्स अलग से हो जाते हैं और आप उनको रिपोर्ट भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो में कोई भी कमी खामी हो या आप कोई नई सजेशन देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने 200 फैमिली के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, अस्सलामुअलैकुम।